बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। यहाँ पर करेंगे 8.18 क्वेश्चन है जो हमारे पास, इसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखें, हमारे पास एक कहता है कि लाट है, ठीक है। आप ये कह लेंगे एक पेंसिल का डिब्बा है, तो उसमें 12 पेंसिल्स हैं हमारे पास, ये फर्ज कर लें आप। एटम है वो कहते हैं, हम कहेंगे टोटल हमारे पास कितनी हैं, टोटल हमारे पास 12 एटम्स हैं, ठीक है। टोटल 12 हैं, और उनमें से कहता है कि हमारे पास जो डिफेक्टिव हैं, 4 ऑफ विच आर डिफेक्टिव, ठीक है। जो डिफेक्टिव हैं वो हैं हमारे पास 4, अब यहाँ पर देखें हमें 12 टोटल दे दिए और उनमें से 4 डिफेक्टिव हैं, यानी कि ख़राब हैं। अब नेक्स्ट वो कहते हैं कि ऑफ विच 5 आर सिलेक्टेड, इनमें से 5 सेलेक्ट की गई हैं टोटल में से, ठीक है। तो अब जो डिफेक्टिव हैं वो तो 4 हैं, जो नॉट डिफेक्टिव होंगी वो आपने खुद बना लेनी, नॉट डिफेक्टिव वो कितनी बनेगी, 12 में से 4 तो डिफेक्टिव हो गई, ठीक है, और जो बाकी बचेंगी वो नॉट डिफेक्टिव होंगी, यानी कि 8, ठीक है। तो सैंपल आपने डन करना है 5 का, क्योंकि 5 उसने कहा कि आपने नॉर्मली आपने रैंडमली सेलेक्ट करने हैं। अब यहाँ पर इसकी सबसे पहले तो बनेगी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो और वो उसने कहा किसकी बनानी है, आपने बनानी है डिफेक्टिव की। डिफेक्टिव हमारे पास टोटल कितने, 4 तक हम जाएंगे, और यहाँ लिख दें लेट वाई या एक्स, जो भी आप वेरिएबल बनाना चाहते हैं, लेट एक्स रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ डिफेक्टिव एटम्स, ठीक है। ये आप इस तरह लिख लेंगे, ये देखिए। अब यहाँ पर आ जाए, ये हम बनाएंगे, इधर हमारे पास नंबर शो करेगा कि कहाँ तक हमने नंबर ले जाने हैं, उसने कहा 4 तक ले जाने हैं। तो 4 तक ले जाने के लिए सबसे पहले यहाँ देखिए, हमारे पास दूसरे नंबर पर हमने फाइंड आउट करनी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होगी, ये होगी हमारे पास कुछ इस तरह। सबसे पहले हम करेंगे कि 0, हमने कोई भी डिफेक्टिव आइटम सेलेक्ट नहीं की, ठीक है। तो डिफेक्टिव आइटम कितनी थी, 4, 4 में से हमने कोई नहीं की तो 0 रखेंगे, और जो नॉट डिफेक्टिव थी उनमें से आ जाएंगी हमारे पास 8 में से कितनी आ जाएंगी, 5 आ जाएंगी, यानी कि 5ों के 5ों यहाँ इसमें से आ जाएंगी, डिवाइड बाय टोटल हमारे पास है 12, 12 में से डाल करने हमने 5, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इसे सोल्व भी करेंगे, अब आ जाएंगे हम 1 सेलेक्ट की हमने डिफेक्टिव, 4 में से 1 सेलेक्ट की डिफेक्टिव, बाकी कितनी बची है, इधर इधर आ जाएंगे हमारे पास 4, क्योंकि टोटल हमने 5 सेलेक्ट करनी है ना। एक अगर हम डिफेक्टिव में से करेंगे, 4 में से करेंगे, तो बाकी तो 4 हमें सेलेक्ट करनी ही पड़ेंगी, टोटल हमने 5 सेलेक्ट करनी ही करनी है। अब यहाँ इसे डिवाइड करेंगे 12c5, टोटल पे ही डिवाइड करना है। अब आ जाए यहाँ 1 आ गया, अब हमारे पास 2 आ जाएगा, 4 में से 2 आपने सेलेक्ट की डिफेक्टिव में से, तो बाकी कितने बचेंगे, बाकी बचेंगे हमारे पास 3, ये किन में से आएंगे, 8 में से, डिवाइड बाय 12c5। अब इसी तरह आप नेक्स्ट आ जाएं, नेक्स्ट हम 3 सेलेक्ट करेंगे, 4c3 इंटू 8c, कितना आएगा, 8c आएगा हमारे पास 2, 2 क्यों आया, क्योंकि हमने टोटल तो 5 सेलेक्ट करनी है, अभी हमने 3 की हैं, ठीक है, 3 की हैं डिफेक्टिव की, और जो बाकी 2 हैं वो हमने नॉट डिफेक्टिव की सेलेक्ट कर ली, 12c5। बहुत ईजी से क्वेश्चन है स्टूडेंट ये। अब यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर आप आ जाएंगे, मैं यहीं पर आ जाता हूँ, यहाँ नेक्स्ट जो नंबर 1 ही है मेरे पास रह चुका, अब उसे भी मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, नंबर इधर रख लूँगा, इधर प्रोबेबिलिटी रख लूँगा, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मॉल एक्स भी रख सकते हैं, कैपिटल एक्स भी। अब रह गया 4 रखेंगे, 4 में से 4 आ सकते हैं, हमने फाइंड आउट किसकी करनी है, आपने इस बात पर ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें से क्या कितनी आएंगी, 1 आएगी, टोटल हमने 5 ही सिलेक्ट करनी थी। अब आ जाएगा 12c5, ठीक है।
अब आपने ये देखना कि उसने कहा किसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उसने कहा डिफेक्टिव, डिफेक्टिव कितनी है, फोर फोर तक ही हमारे पास जाएगा सैंपल। हमने बेशक पाँच पाँच हर जगह ड्रान करना है, लेकिन जाएगा हमारे पास फोर फोर पर। तो टोटल सैंपल वैसे होंगे हमारे पास फाइव स्टूडेंट, ये आपको पता होना चाहिए, जीरो वन टू थ्री फोर, फोर तक जा रहा है, लेकिन हमारे पास जीरो शामिल होने से फाइव हो जाएंगे। अब इसे आपने कैलकुलेटर से सोल्व कर लेना है। किस तरह करेंगे, फोर सी जीरो करेंगे तो आपके पास आ जाएगा वन, वन को मल्टीप्लाई करेंगे एट सी फाइव से, एट सी फाइव देखें कितना आ रहा है आपके पास, एट सी फाइव तो ये आ रहा है आपके पास फिफ्टी सिक्स, डिवाइड बाय ट्वेल्व सी फाइव तो ये आ रहा है आपके पास सेवन नाइन्टी टू। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों के पास भी यही आ रहा होगा। अब इसी तरह यहाँ पर भी आ जाएँ, फोर सी वन करेंगे तो आपके पास फोर आ जाएगा, फिर एट सी फोर करते हैं, एट सी फोर किया तो सेवेंटी आया। ठीक है, और जो जब फोर सी वन करेंगे तो आपके पास फोर आ जाएगा, फोर को मल्टीप्लाई करेंगे सेवेंटी से, ये देखें फोर को सेवेंटी से मल्टीप्लाई किया तो टू एटी आ गया हमारे पास, टू एटी डिवाइड बाई ये आएगा हमारे पास 792, ये सब का नीचे जो है 792 आएगा। ठीक है, ये मैं आपको एक बार लॉजिक बता दूं ताकि आपको पता चल जाए किस तरह से है। ये स्टूडेंट फोर सी वन किया तो फोर आ गया, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई बाय एट सी फोर किया तो 70 आ गया, 70 मल्टीप्लाई बाय फोर किया तो हमारे पास नेक्स्ट आ चुका 280। ठीक है, नेक्स्ट भी मैं इसी मेथड से करूँगा। अब आ जाएँ यहाँ नेक्स्ट, ताकि शॉर्टकट एक ही स्टेप में ये सोल्व हो जाए। पिछले क्वेश्चन मैंने दो तीन स्टेप में ले गया था सिर्फ आपको समझाने के लिए। अब यहाँ पर फोर सी टू करेंगे, फोर सी टू तो ये आएगा आपके पास सिक्स, ठीक है, और इसके बाद एट सी थ्री करते हैं तो ये आ रहा है आपके पास फिफ्टी सिक्स, सिक्स मल्टीप्लाई बाय फिफ्टी सिक्स करेंगे तो ये आपके पास आएगा डबल थ्री सिक्स। ठीक है, डबल थ्री सिक्स डिवाइड बाय सेवन नाइन्टी टू। अब इसी तरह नेक्स्ट आ जाएं, फोर सी थ्री करेंगे तो ये आपके पास फोर आ जाएगा। ठीक है, फिर एट सी टू करेंगे, ये देखते हैं कितना आ रहा है, एट सी टू करेंगे तो ये आ रहा है ट्वेंटी एट, ट्वेंटी एट को फोर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा वन ट्वेल्व। ठीक है, वन ट्वेल्व लिख रहे हैं यहाँ पर डिवाइड बाय सेवन नाइन्टी टू। अब इसके बाद हमारे पास लास्ट बचा है, ये भी लिख लेंगे कितना आ रहा है हमारे पास, फोर सी फोर करेंगे तो आपके पास वन आ जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह एट सी वन करेंगे तो एट आ जाएगा, एट को वन से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास एट ही रहेगा डिवाइड बाय सेवन नाइन्टी टू। अभी सारे का टोटल करके भी देख लें तो आपके पास वन ही आएगा। ठीक है, तो अभी चलते हैं हम इन्हें ऐड करके देख लेते हैं, फिफ्टी सिक्स ऊपर वाले को ही ऐड करना है, ऊपर भी नीचे तो हमारे पास सेवन नाइन्टी टू ऑलरेडी है, ऊपर हमने सबका ऊपर वाला ये फिफ्टी सिक्स प्लस टू एटी करते हैं प्लस थ्री थर्टी सिक्स, फिफ्टी सिक्स प्लस टू एटी प्लस, आप मेरे साथ अगर क्वेश्चन करते रहेंगे तो आपको काफ़ी अच्छी तरह समझ आ जाएगी, प्लस वन ट्वेल्व प्लस एट तो ये आ रहा है सेवनटीन सेवन नाइन्टी टू, नीचे भी हमारे पास सेवन नाइन्टी टू है तो इसका मतलब हुआ तो ये हमारे पास इक्वल है वन के। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी आ चुकी है इक्वल टू वन। अब नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना, मैं नेक्स्ट पेज पर मूव कर जाता हूँ, उससे पहले ये देखने नेक्स्ट हमें क्वेश्चन कह रहा है कि आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन आर इक्वल टू वन। सुनो, ये हमारे पास डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, इसमें ये बात आपने याद रखनी है जब इक्वल टू का साइन आ जाए तो वन भी इसमें शामिल हो जाता है, वन से लेस देन एंड इक्वल टू वन, वन से लेस एंड इक्वल टू वन कौन कौन से हैं, ये हैं हमारे पास ये वाले ज़ीरो एंड वन। ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज पर आ जाता हूँ। ओके स्टूडेंट, मैं नेक्स्ट पेज पर आ गया, यहाँ पर देखें हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन आर इक्वल टू
वन फाइंड आउट करने, जिस तरह मैंने पिछले पेज पर ही आपको बता दिया था। तो ये हमारे पास इक्वल होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन, वन भी इसमें शामिल है। अब इनको ऐड करके देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो जो हमने पिछले पेज पर फाइंड आउट की वो थी हमारे पास 56 डिवाइड बाय 792, और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन थी वो थी हमारे पास 280 डिवाइड बाय 792। अब आपको पता है डिनोमिनेटर एक जैसे 792 नीचे ऐसे ही आ जाएगा एलसीएम, तो ऊपर ऐड हो जाएंगे 56 प्लस 280। ओके, तो इनको ऐड कर लेंगे वही हमारा आंसर होगा 56 प्लस 280, तो ये आ रहा है मेरे पास 336 डिवाइडेड बाय 792, यही हमारे पास प्रोबेबिलिटी का आंसर है। अब नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं, यहाँ हमें क्या कह रहा है प्रोबेबिलिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सुनो, ये वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स फाइंड आउट करनी है व्हेन एक्स लाइज बिटवीन 3 एंड 1। अब ये किसके इक्वल होगी, यहाँ पर आ जाएं, यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर होगा हमारे पास कहते 3 से छोटा हो कोई अदर, कोई अदर है जो 3 से छोटा हो तो हम कहेंगे 0, 1 एंड 2 छोटे होते हैं, और दूसरी शर्त इसने ये लगा दी एक्स ग्रेटर वन हो, यानी कि 3 से छोटा हो और 1 से बड़ा हो। 3 एंड 1 के बिटवीन कौन सा आता है हमारे पास, 2 आता है, तो 2 आ जाएगा ये हमारे पास की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2। तो ये किसके इक्वल आएगी, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 थी वही हम यहाँ पर लिख देंगे, ये आएगी हमारे पास 336 डिवाइड बाई 792। इसको मज़ीद शॉर्ट करना चाहे तो कर सकते हैं, वरना इतना भी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अब यहाँ पर आ जाए नेक्स्ट, इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या कहता है हमारे पास कि ये फाइंड आउट करें समीशन, इसको आपने समझना है, ये समीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू वन, वन होना चाहिए, ये आपने प्रूव करना है। अब यहाँ पर देखिए कहता है कि समीशन ऑफ एक्स, एक्स लाइज फ्राम 0 to एक्स टेंड्स 0 to 4, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसके समीशन के ऊपर इसकी रेंज बताई होती है स्टूडेंट। उम्मीद है आपको पिछले किसी भी टीचर ने नहीं बताया होगा तो आप यहाँ पर सारा कुछ सीखेंगे, अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में आप लाजमी पूछा करें। टोटल की आपने प्रोबेबिलिटी ये आपने दिखाना है कि 1 के इक्वल है, हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड जो कि हमारे पास है समीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, ठीक है, तो ये होगी हमारे पास इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, इसी तरह प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4। इन सबको ऐड करेंगे तो 1 के इक्वल आना चाहिए। अब इनको सबसे पहले पुट कर लेते हैं, यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू 0 तो हमारे पास आया था 56 डिवाइड बाय 792 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, ये आई थी सुना हमारे पास 280। आपने यहाँ से भी देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ जो हमने फाइंड आउट की थी। अब यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 करनी है, ये देखिए ये वाली हम 3336 प्लस डिवाइड बाय 792। अब मैं पिछले पेज से देख लेता हूँ ये हमारे पास क्या आई थी नेक्स्ट, हमारे पास तो नेक्स्ट आई थी स्टूडेंट ये आई थी हमारे पास 112 डिवाइड बाय 792। और लास्ट में आई थी हमारे पास 8/792। अब इन सबको ऐड करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आता है। नीचे तो 792 ही आएगा, ये हमारे पास एक एलसीएम है, ऊपर देखते हैं हमारे पास क्या आएगा, सबको ऐड करके देख लें।
56 प्लस 280 जिस तरह हमने पहले किया बिल्कुल ये हमारा आ जाएगा प्लस 112 प्लस 8, तो ये आ रहा है स्टूडेंट, देखिए हमारे पास आ रहा है 792 आ रहा है। ठीक है, उम्मीद आप लोगों का भी यही आ रहा होगा, ऊपर भी 792 नीचे भी 792 ये हमारे पास कट हो जाएगा, तो इक्वल टू 1 आ जाएगा। टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ चुकी है इक्वल टू 1। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह नगेबान।